हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि हम और आप सभी को पता है कि कल यानी 7 जनवरी 2023 को हिस्ट्री सब्सिडरी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस बीच मैं 2020 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि 2020 में पूछा गया था, और ये पूरा सॉल्व क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा गया था 2020 में। 2021 वाला क्वेश्चन मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें। 2020 में जो पूछा गया क्वेश्चन किस तरह का था, आइए देखते हैं। पहला सवाल पूछा था कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ, तो इसका जवाब हो जाएगा हेमू। अगला सवाल है, आईने अकबरी पुस्तक की रचना किसने की, तो जवाब होगा अब्दुल रहीम खान खाना। अगला सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो जवाब हो जाएगा 1707 ईस्वी में। अगला सवाल है, खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था, जवाब होगा राणा सांगा। अगला सवाल है, कैप्टन हॉकिंग्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था, जवाब होगा जहांगीर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, जवाब होगा औरंगजेब। अगला सवाल है, गुलबदन बेगम कौन थी, तो यह एक लेखक थी। अगला सवाल है, शेर शाह ने अपना मकबरा बनाया था, तो जवाब होगा सासाराम में। अगला सवाल है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था, तो जवाब होगा मुमताज महल। अगला सवाल है, तुर्की बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो जवाब होगा तुर्की भाषा में। अगला सवाल है, पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है किनके बीच लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला सवाल है, नूर जहाँ पुत्री थी यानी नूर जहाँ किसकी पुत्री थी, तो जवाब होगा मिर्ज़ा गयास बेग की। अगला सवाल है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, जवाब होगा फरीद। अगला सवाल है, 1529 ईस्वी में बंगाल का शासक कौन था, जवाब होगा नुसरत खां। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया, जवाब होगा अकबर ने। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था, तो जवाब होगा बहादुर शाह द्वितीय। अगला सवाल है, मुगल कालीन मुख्य उद्योग था यानी मुगल कालीन का मुख्य उद्योग क्या था, तो ये था आपको वस्त्र उद्योग, ठीक है, यानी कपड़ों का उद्योग था। अगला सवाल है, टोडरमल संबंधित है, तो टोडरमल जो है ये भू राजस्व सुधार से हैं। अगला सवाल है, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की, तो जवाब होगा अकबर। अगला सवाल है, मुगल शासन काल में शहर का प्रधान था, तो वो थे कौन, कोतवाल। अगला सवाल है, अमल गुजार था, तो इसका जवाब होगा भू राजस्व पदाधिकारी। अगला सवाल है, जकात था, तो ये क्या था, कर। अगला सवाल है, अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष समाप्त किया था, तो जवाब होगा 1564 ईस्वी में। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का सिक्का चलवाया, तो जवाब होगा शेर शाह सूरी। अगला सवाल है, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, तो जवाब होगा सूरदास ने। अगला सवाल है, अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ, तो जवाब होगा सिकंदरा। अगला सवाल है, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो जवाब होगा आगरा में। अगला सवाल है, अकबर का प्रतिशासक था, तो जवाब होगा बैरम खां। अगला सवाल है, अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक था, तो जवाब होगा शाहजहां का। अगला सवाल है, फ्रैंको बर्नियर था, तो जवाब होगा एक फ्रांसीसी यात्री। अगला सवाल है, अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार था, तो जवाब होगा टोडरमल। अगला सवाल है, अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था, तो जवाब होगा मान सिंह। अगला सवाल है, जहांगीर महल कहां पर अवस्थित है, जवाब होगा आगरा। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम दिन में अपने बेटे की कैद में बिताई, तो जवाब होगा शाहजहां ने। अगला सवाल है, जमादामी क्या था, जमादामी अनुमानित राजस्व। अगला सवाल है, जीटी रोड किसने बनवाया, तो जवाब होगा शेर शाह ने। अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया, तो जवाब होगा शाहजहां ने। 38वां नंबर पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि जिसने जहांगीर के दरबार में प्रवेश किया था, तो जवाब होगा कैप्टन हॉकिंस। अगर आपसे ये भी सवाल पूछते कि कैप्टन हॉकिंस किस के दरबार में प्रवेश किया था, जवाब हो जाएगा जहांगीर के टाइम में आया था, ठीक है। अगला सवाल है, मुगल भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम बताइए, जवाब होगा सूरत। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है, तो जवाब होगा अकबर। अगला सवाल है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी, तो जवाब हो जाएगा नक्शबंदी। अगला सवाल है, मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन में मीर बख्शी किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो जवाब होगा सेना। अगला सवाल है, किस मुगलकालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, तो जवाब होगा शाहजहां। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी, जवाब हो जाएगा सूर राजवंश। अगला सवाल है, 1529 के घाघरा युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया, तो जवाब होगा महमूद लोदी। अगला सवाल है, अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन संबंधित था, तो ये थे कहाँ के, तो ये थे ग्वालियर से। अगला सवाल है, जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया, तो जवाब होगा अर्जुन देव। अगला सवाल है, 1867 ईस्वी में किस साम्राज्य को औरंगजेब ने शामिल किया, तो जवाब हो जाएगा बीजापुर।
अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया, यानी रोका था? तो जवाब हो जाएगा जहांगीर ने। अगला सवाल है, मुगल सम्राट जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो जवाब हो जाएगा बाबर ने। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा विवेकानंद। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो जवाब हो जाएगा ए ओ ह्यूम। अगला सवाल है, गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो जवाब होगा द्वितीय। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो जवाब हो जाएगा आपको 1773 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा आपको 10 मई को। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जवाब होगा 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई थी? तो जवाब होगा 1885 ईस्वी में। अगला सवाल है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो जवाब हो जाएगा मीर जाफर। अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जवाब हो जाएगा वेरन हेस्टिंग। अगला सवाल है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? तो जवाब हो जाएगा बेंटिंक ने। ठीक है, बेंटिंक यानी घर। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार कब विभाजित हुआ, यानी हुई? तो जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी में। अगला सवाल है, सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि जो है ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जवाब होगा 1942 ईस्वी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो जवाब होगा लाहौर अधिवेशन। अगला सवाल है, भारत में अस्थायी भूमि बंदोबस्ती किसने लागू किया? तो जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस। अगला सवाल है, साबरमती आश्रम कहाँ पर अवस्थित है? तो जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। अगला सवाल है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भारत में डाक सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की? तो जवाब होगा क्लाइव ने। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो जवाब होगा 1919 ईस्वी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसका किसने कहा था? तो जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। सवाल है, काल कोठड़ी की घटना संबंधित थी? तो जवाब हो जाएगा प्लासी युद्ध से। अगला सवाल है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ? तो जवाब होगा 1935 ईस्वी के अधिनियम में। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग का निर्माण कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो जवाब हो जाएगा 1906 ईस्वी में ढाका में। अगला सवाल है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने पाकिस्तान शब्द का व्यवहार किया था? तो जवाब हो जाएगा आपको रहमत अली। अगला सवाल है, डांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी? जवाब हो जाएगा 8 नवंबर 1927। अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो जवाब होगा 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू की। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? तो जवाब होगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड मुगल के बीच। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाशन के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, चौरी चौरा की घटना संबंधित थी? तो चौरी चौरा की घटना जो है ये है आपको असहयोग आंदोलन से। अगला सवाल है, करजन द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया? जवाब होगा 1905 ईस्वी। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय की मृत्योपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने अपने हाथों में लिया? तो जवाब हो जाएगा आपको देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। अगला सवाल है, सन 1917 ईस्वी में गांधी जी की अहमदाबाद मील हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई थी? जवाब होगा 35%। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? तो जवाब हो जाएगा कराची 1931। अगला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो जवाब हो जाएगा 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों के को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जवाब हो जाएगा आपको 1915 ईस्वी में। अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जवाब हो जाएगा मीर कासिम। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, समारोह
इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था, जवाब होगा महात्मा गांधी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।